आपके पति क्या करते हैं? पति यही फसल, यही दुकान पे चलाते हैं, दुकान पे। खेती किसानी करते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं। हमनी के फिलहाल मौजूद बानी सर नेपाल में, जीरो सब देख सकता नहीं। एक आदमी यहाँ के बैठल बानी, यहाँ के हमारा बुझाता कि दुकानदार बानी, या दुकानदार जौन बानी यहाँ के, हालांकि हमारा बुझाता कि जौन अधिकांश सामान बाटे दुकान में वो इंडियन सामान ही बाटे। यहाँ के एगो भेटा गए बानी हमनी के, हालांकि का कहल जाओ, यहाँ के अचानक भेंट भैल, अचानक यहाँ के इतना मुरीद हो गए बानी कि यहाँ के जी होटल में लेके चली आई बानी हमनी के। का नाम पड़ी जी अपन? हमार कुलदेव रंगीला। कहाँ ये जी घर पड़ी? ना बगल में बाटे, मतलब बॉर्डर इलाके क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, बिहार में। जी तो हमनी के भेंट भइल हो, तो मान ली कि रहुआ तो इतना मान ली कि कहता नहीं कि ना खा के चली तो घरे चल के सर। मतलब देखिए, हमनी यानी जान मतलब देहात क्षेत्र के और थरुवटी इलाके के, ठीक बा। तो हमनी के जो भी व्यक्ति दूर से आवेला वो हमनी खतरा मेहमान बा। यहाँ का पहचान के कितना दूर से हमनी गाड़ी के पीछा करनी हो, पहचाना तनी जान हमनी के, देखे नहीं जान हमेशा पहचाना तनी। तो नेपाल में, नेपाल में हमनी के भेंट हो गइल ह, खातिरदारी कर तनी यहां के मानते नहीं घर ले जाए खातिर बेचैन कोई गाना वाना गावे नहीं। हां जी तनी वो गाना गाए तो देखिए, हम मतलब अपने ठोरी मतलब घूमे के मतलब लालसा लागल, ठोरी घूमे घूमे जाए के बाद ठोरी पे एगो गाना गइले रानी कि आदे आइल बानी घूमे तो संगे घुमाइबो आ तू हडक के चल लसका पुल देखाइबो तयाज पिछले बाज कहनी बाकी आ गलती से नया ए हो तयार पिछले साल खातिर सोरी हो आ चल ना घुमा दी जान ठोरी हो। न्यू ईयर का बनैले बानी, वाह 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 वाह, क्या बात बा, यहाँ के बहुत बेहतरीन इंसान बानी। ऐसे कि हमनी से अचानक हमरा बुझाता कि आधा पौन घंटा पहले भेंट भइल, ऐसा लागता कि सालों के हमनी के मुलाकात भइल बाटे। आ यहाँ के बानी का नाम पड़ी जी राउर, हमनी के बोलत नहीं सतन बुझाता भीमसेन श्रेष्ठ। अच्छा हमनी के जौन बतियाओ तनि सब बुझाता रहुआ ना? नहीं बुझा, हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना? आपकी आप ही का दुकान है? ना। हाँ मामा के दुकान है। मामा का दुकान है और आप मामा के यहाँ आए हुए हैं, यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा ये कौन सी जगह हुआ? विजय बस्ती आठ घर, विजय बस्ती हुआ। चलिए यहाँ से थोड़ी जो है वो कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से पड़ेगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इधर हम लोगों को जाना पड़ेगा, यानी करीब करीब अभी हम लोगों को आधा घंटा पौन घंटा चलना पड़ेगा, है ना? तब तक ये हम लोगों को मित्र मिल गए हैं, ठीक है? आए हमारे राइटर साहब हैं जो कि यहाँ के। क्या नाम पड़ी? साथ में रहते हैं सूरज शर्मिला। अरे सूरज शर्मिला, नाम तो बड़ा बेहतरीन बा, है ना? देख सकता नहीं जौन सड़क के नजारा बाटे, बड़ा बेहतरीन सड़क के नजारा बा। यहाँ पे जो लटकाया गया है क्या सुरती है, खोई नहीं खाने वाला? तो इसको कितने दिनों तक लटका के रखेंगे लोग? रहेगा दो, एक दो महीना रखी, एक दो महीना उसी तरह से लटका रहेगा, उसके बाद से फिर उसको कंपनी में जाएगा। कंपनी में जाएगा, काट के यहाँ पे बिकता है, खोई नहीं कि पैकेट में बिकता है? वो जाएगा कंपनी से बना के, बना के पैकेट में आ जाएगा, वहीं बिकता रहता है। हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि उसको काट काट के ऐसा पता रहता है और काट काट के दे देते हैं, ये ऐसा इधर नहीं होता है। और वो कंपनी में बंद आ जाता है, उसी में चूना भी रहता है। चलिए चलिए, यहाँ पे इस तरह का है कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटो वगैरह भी लिया जा रहा है। और जो यहाँ का लोकेशन है, हालांकि आबादी जो है बड़ा कम है, सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं तो आधे पौन घंटे में कभी कभी कोई चार पहिया वाहन गुजर जा रही है, अन्यथा ऐसे ही। और देख रही है यहाँ की जो बकरी है, बकरी तो बड़ा बहुत VIP है जी, है ना? देखिए यहाँ की बकरी है और बकरी बड़ा VIP बकरी है, बड़ा बड़ा बकरी है। और एक व्यक्ति है जो 500 बकरी को लेकर जा रहे हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। कुल्हाड़ियाँ काहे के लिए हुए हैं? ए बाहरा धबाउनु लाई, धबाउनु लाई बाहरा के और जंगल वगैरह काटने के लिए, वो जलावन लाने के लिए। तो जाएंगे बकरी भी चला लेंगे, हाँ घास ले आएगा बा ना, लकड़ी काटना बा, वो सब साथी में लेते हैं। और उतना बकरिया उन्हीं का है ना? दस आदमी के बाद, दस आदमी का, मगर वहीं लेके जा रहे हैं, है ना? चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पे भी है ये सब, और ये सारे लोग नेपाली, और नेपाल और भारत का बड़ा ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम विदेश में आए हुए हैं, और यहाँ पे आने के लिए किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है, बस ऐसे ही आप
चले आइए, जैसे आप अदर जगहों में बिहार में या अदर प्रांत में कहीं पे भी जाते हैं भारत में, उसी तरह से यहाँ पे भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक महिला है जो हम लोगों के लिए आमलेट बना रही है, आप सभी यहाँ पे आकर देख सकते हैं। नेपाली महिला है और इन्हीं का ये दुकान है जिस दुकान पे हम आप लोगों को दिखाए हुए थे, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा बिमला। बिमला, अच्छा जो ये एक आमलेट है कितने का है? ये 20 20 रुपए का है। नेपाली ऐसी हो गया 12 को, इंडियन हो गया 12 12 तो 12 रुपए में तो हम लोग के यहाँ भी मिल जाता है ना? यहाँ पे कुछ सस्ता नहीं है? नहीं है उतने, तो पकाना है तो ऐसा होगा, पका के देते हैं हम लोग, के पका कर ही देते हैं, आमलेट बना कर देते हैं 12 रुपए में। ठीक है, पहले 10 रुपए था लेकिन अब कुछ बढ़ गया है। बढ़ गया अभी तो, ये मुर्गी पहले सस्ता था। हाँ हाँ हाँ, तो ये इधर नेपाली अंडा ही है कि इंडिया का है? इंडियन है वहीं से आ जाता है यहाँ पे, है ना? इंडिया से आना। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इधर मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप दिखा दीजिए, ये दुकान भी चलाती है महिला और बड़ा बेहतर ढंग से ये आमलेट बना रही है हम लोगों के लिए, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा आमलेट वगैरह खाएंगे। और इसमें आप क्या रखी हुई है? एक खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी बनाना है तो मटर दाल वगैरह है उसमें, है ना? उसी का बनेगा। तो चलिए चलिए, कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। आपके पति क्या करते हैं? पति यही फसल, यही दुकान पे चलाते हैं। दुकान पे खेती किसानी करते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, केवल दुकान ही चलाते हैं। दुकान चलाने से बढ़िया आमदनी हो जाता है। ठीक है ठीक है। और ये जमीन जो है आप ही का है? आप ही है? आप ही का है। हाँ। चलिए तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, सब कुछ जो इनसे बात करनी थी हम कर चुके हैं और ये आमलेट बना रही है और थोड़े देर में हम लोग यहाँ से खाएंगे, उसके बाद से दूसरी जगह निकल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।